गुड मॉर्निंग विद अनदर स्पेशल मॉर्निंग। तो मैं फिर निकल पड़ा था सूरज को सलाम करते हुए एक नए सफर पे। और ये जो सूरज की रोशनी थी ना, वो सुबह की नींद भगा दी थी। और ये क्लाउडी वेदर था ना, एक अलग ही फील था। और मैं और एक्साइटेड हो रहा था। तो आगे तो ऐसे बहुत से नज़ारे आएंगे, तो चलते स्टार्ट करते। तो लेट्स गो। इट्स माय वेलकम माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं फिर आ चुका हूँ माथेरान एक्सप्लोर करने। पर मैं पहले आया था प्रबाल फोर्ट एक्सप्लोर करने, तो मैं माथेरान एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो आज मैं जा रहा हूँ माथेरान एक्सप्लोर करने और कुछ मेन पॉइंट्स एक्सप्लोर करूँगा माथेरान के बारे में। लेट्स गो। टॉप पे एकदम फर्स्ट व्यू पॉइंट पे माथेरान का, और मेरे पीछे का ज़रा सीन। तो ये फर्स्ट व्यू पॉइंट, अगर आप कहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं गूगल और जिस पे भी, तो आपको फर्स्ट व्यू ऐसे दिखेगा माथेरान का। और मैं उधर ही फिलहाल, तो सीन बहुत सही है बॉस। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से एंटर है माथेरान को, तो वहाँ पर चलते हैं। अभी धूप ज़्यादा आ रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंडी था। हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी पार कर चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं माथेरान के लिए। मतलब माथेरान हिल स्टेशन है पूरा, पर हम लोग अभी व्यू पॉइंट के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे गाइड करने वाले बहुत जने, पर उनके थ्रू मत जाना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। पर ज़्यादा चार्ज करने की बात नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात है। तो खुद का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा, तो खुद गाइड होके आना, थोड़ा रिसर्च कर लेना और खुद से घूमना, क्योंकि यहाँ पे मतलब खुद का एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और बाकी मेरा ब्लॉग देख के मैं बोलते गाइड करता रहूँगा थोड़ा फार। तो आप पार्किंग के थोड़ा ही आगे आना और आपको ऐसा मैप दिख जाएगा, तो आप खुद सेलेक्ट करना कि आपको कौन सा डेस्टिनेशन घूमना है, कौन सा व्यू पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे आप किसको भी पूछ लेना, क्योंकि कोई भी हेल्प कर लेगा। फाइनली हम लोग ने अभी ट्रैक चालू कर चुका है और चल हो गया, तो मज़ा आएगा, देखते रहना व्लॉग में। के बाद मैं पहुंच गया हूँ माथेरान रेल स्टेशन में। ये है रेलवे स्टेशन और मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ फिलहाल के लिए। ट्रेन तो आ रही नहीं, ट्रेन अभी गई फिलहाल, मतलब यहाँ पे ड्रॉप करके। जो आगे आपने वीडियो देखा था वो ट्रेन यहाँ पे आके लास्ट स्टेशन ये, इसके बाद वो बैक हो जाते अपने जहाँ से आया था। तो अभी मेरे पीछे माथेरान, आई लव माथेरान। तो हम लोग अभी रेस्ट कर ले थोड़ा, ये भी एक व्यू पॉइंट है देखने के लिए, तो बादल भी व्यू पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से चले, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। तो आज का ये
सेकंड व्यू पॉइंट है खंडाला पॉइंट्स। तो व्यू यार मतलब अमेजिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के लिए भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी पानी भर सकते हैं। ये एंट्री गेट है और इसके बाजू में ये पानी का है, ये ड्रिंकेबल वाटर है, आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। हम लोग यहाँ से पानी भर के अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सही व्यू है, तो ट्रीज आपस में एक दूसरे को मतलब कर्व बना रहे, तो बहुत सही व्यू आ रहा। और ऊपर का सन थोड़ा थोड़ा मतलब सन भी थोड़ा थोड़ा रेज आ रहा है, तो इसका भी बहुत सही व्यू है। ओके, हम लोग हाफ एन आवर का ट्रैक कर चुके हैं कम्प्लीट। हम लोग ब्रेकफास्ट लाया था एकदम ने पोहा, तो हम लोगों को खाया और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते आगे बहुत सारे व्यू देखने मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। वो चीज़ के लिए तो ये है लेक और ये एक व्यू पॉइंट में से बेस्ट व्यू पॉइंट है, तो चलते। तो फिर से मैं एक न्यू व्यू पॉइंट पर आ चुका हूँ, तो ये हमारा थर्ड व्यू पॉइंट है शायद से, तो अभी चलते। तो ये मेरे पीछे व्यू है ऐसा कुछ, चलते वहाँ पे। हम लोग को ये जगह एक्सप्लोर करके हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो चलते हैं वहाँ पे नेक्स्ट व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने। तो व्यू पॉइंट का नाम है किंग पॉइंट, अभी वहाँ पे चलते। तो यहाँ से किंग पॉइंट का व्यू कुछ ऐसा है, तो हम लोग पहले वहाँ पे व्यू पॉइंट था वहाँ पे, अभी वहाँ से हम ये किंग व्यू पॉइंट पे आए। तो सीन सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, खाली वहाँ से हमको लेक नहीं दिख रहा था और यहाँ से अभी लेक दिख रहा है बस, और कुछ नहीं, सेम भी। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, तो चलते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। तो हम एक घंटे से लगभग एक दो घंटे से ट्रैक कर रहे हैं, ये पूरा माथेरान घूम रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है मलंग पॉइंट, और ये वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट व्यू पॉइंट है माथेरान का, तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ से मून पॉइंट से कुछ समथिंग 30 to 40 मिनट का ट्रैक है, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं क्योंकि मून पॉइंट में कुछ था नहीं एक्सप्लोर करने जैसा, इसलिए मैं एक्सप्लोर नहीं किया वो जगह। तो अभी हम जा रहे हैं मलंग पॉइंट, और सनसेट पॉइंट भी है बेस्ट, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। हाफ एन आवर का ट्रैक है, लेट्स कंप्लीट ब्रो। फाइनली वी रीच टू लूसी पॉइंट, और 10 मिनट का ट्रैक, 10 ने हाँ 30 to 40 मिनट का ट्रैक था जैसा मैं बोला था वैसे, और मैं पहुंच चुका। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब लूसी पॉइंट के बारे में बहुत सही सही पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कि आपको ये पॉइंट से मतलब दो अलग अलग टाइप दो व्यू दिखेंगे अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपको दो पॉइंट दिखेगा। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, तो मैं आपको पिक्चर्स नहीं तो कुछ फोटो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो एक बार देख लेना। वो पोस्टर देखने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ यूनिक व्यू दिखेगा अभी, नहीं तो वहाँ से एक ही व्यू दिख रहा था, तीनों व्यू पॉइंट पे आया तो एक ही व्यू दिख रहा, तो अभी थोड़ा अलग व्यू पॉइंट पे आया, होप व्यू जैसा मैं सोचा था वैसा हो या उससे अच्छा हो। एक्सप्लोर कर दिया और बहुत सही व्यू था, मेरे पीछे मंकी, तो बहुत सही व्यू था, होप आपको भी मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस।